नमस्कार, आज का शुभ विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में ये कहना चाहते, हमारा जो शरीर है विष की बेलरी अर्थात बुराइयों से भरा हुआ है, और जो हमारे गुरु हैं वो अमृत यानी कि ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर है। अगर उनके सामने शीश झुकाकर नमन करने से, शीश झुकाने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उससे सरल मार्ग, उससे सस्ता मार्ग कोई नहीं हो सकता। तो हम गुरु के ज्ञान को पाने के लिए उनके सामने शीश झुकाएं, उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लें, इससे सस्ता और सरल मार्ग हमें नहीं मिल सकता। नमस्कार।